ओके हेलो कूल एवरीवन, वेलकम टू फिल्म विंडो। मैं हूं नित्यांशी और मेरे साथ हैं डिजिटल दुनिया में कंटेंट क्रिएशन के वन ऑफ द महारथी, हम जिसे कह सकते हैं, जिनका प्यार म्यूजिक है, जिनकी जिंदगी म्यूजिक है, जीशान अली। हाय जीशान, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ एकदम। एंड सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, आपने इतना अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन दिया उसके लिए। प्लेजर इज ऑल माइन, और यू डिजर्व ऑल ऑफ इट। तो शुक्र सबसे पहले शुक्र। तो मुझे ये बताइए कि हाउ आर यू, एंड कंसिडरिंग द करंट सर्कमस्टेंसेस, आर यू होम, आर यू सेफ? यस यस, मैं बिल्कुल घर पे हूँ। आप देख सकते हैं मेरी दाढ़ी भी अच्छे से बनी नहीं है क्योंकि अभी कहीं जा नहीं सकते हैं हम, तो मैं घर पे हूँ। आई होप आप भी सेफ हैं, हमारे जो सारे लिसनर्स हैं और सारे जो व्यूअर्स हैं वो भी सेफ होंगे और घर पे होंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है अभी घर पे रहना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस ऑन ग्रांटेड लेंदी है। थैंक यू सो और मच। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो लाइन है ना, ग्रांटेड लेंथी है, ये पर्सनल, नाउ बीइंग अ गर्ल आई हैव टू आस्क यू, दिस ये किसी पर्सनल एक्सपीरियंस से आया है, एंड हाउ इज इट, कैसे ये टाइटल सोचा? बेसिकली ये एक्चुअली पर्सनल किसी चीज में लिखा रहता है, कोई जो मूवी आती है इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स और इंसिडेंट्स लिखा रहता है, तो ये भी मैं गाने के शुरू में लिख ही देना चाहिए था मेरे को। तो मेरी जो फियांसे है उसको मैं एक दिन रैंडमली ऐसे ही कुछ बोल रहा था, यार यू नो व्हाट, आई रियली लव यू एंड यू टेक मी फॉर ग्रांटेड। हाँ मतलब ये पक्का है अभी। एंड उसने भी फिर मजाक मजाक में ऐसा करके फोन रख दी, वो उसने सेंटेंस को भी ग्रांटेड ले ली। तो मैंने जैसे ही फोन रखा, एंड टू बी ऑनेस्ट मैं सच्चाई बयान करूंगा यहाँ पे, तो मैं वॉशरूम चले गया रखने के बाद, और वॉशरूम में थॉट आया, यार दिस टाइटल इज रियली नाइस, यू नो कि मैं तेरे को प्यार करता हूँ तो मेरे को ग्रांटेड लेनी। देन इमीडिएटली आई कन्वर्टेड दैट इन पंजाबी, यू नो कि तू ग्रांटेड लेनी है, देन मैं तेनू लव करदा, तो ऐसा करते हुए ये टाइटल आया और ये गाना बना। एंड आई तो होप यू मतलब लाइक। हमने, ऑफ कोर्स, तो यही तो मैं कह रही हूँ कि मतलब हमने सही सोचा कि ये पर्सनल एक्सपीरियंस से आया है, क्योंकि ज्यादातर लड़के जिन्हें मैं भी जानती हूँ यही सोचते हैं दैट गर्ल्स टेक देम फॉर ग्रांटेड व्हेन दे आर डेटिंग। हाँ है ना सही है ना। देखो आप सब लोग सुनो, देखो बिल्कुल, मैं तो इस थॉट से, ऑफ कोर्स मैं अग्री कैसे कर सकती हूँ, बीइंग अ गर्ल हाँ आई टू विल आई एम नेवर गोइंग टू अग्री। बट टॉकिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ द सॉन्ग, जब आप लिख रहे थे ये गाना और पूरा जब क्रिएशन हो रहा था इस सॉन्ग का, तो किस तरह से सब कुछ हुआ, वाइब क्या थी, उस बारे में कुछ बताइए। देखो, मैं गाने के सबसे पहले ना ऑडियो प्रोडक्शन की बात करता हूँ आपको, ठीक है। मेरा कजिन है जैनुल, वो लंदन में रहता है, बहुत अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूसर है माशाल्लाह, मेरा भाई जैसे, मेरा भाई है, दोस्त है, सब कुछ है। तो मैंने इमिडिएटली एक गाना जो बनाया तो मैंने जैनुल को सुनाया, मेरे डायरेक्टर है जो पिछले गाने में थे राणा भाई, फिर अदनान को मैंने जब सुनाया अदनान भाई को, तो सीन एग्जैक्टली कैसा हुआ कि मैंने सबसे पहले जैनुल को गाना भेजा, मैंने जैनुल देखिए टाइटल कैसा लग रहा है, व्हाट डू यू थिंक, हम म्यूजिक प्रोडक्शन स्टार्ट करें इसके ऊपर, बोले भाई बहुत अच्छी वाइब है हम स्टार्ट करते हैं। और जो लिखने की वाइज में भी मैंने लिखा, मैंने ये सोच के लिखा कि यार ग्रांटेड क्यों लेगी आखिर, एक रीजन होना चाहिए, कहानी होनी चाहिए, राइट, कि तेरे लिए चाय बना रहा हूँ, तेरे लिए रात को भूख लग रही है तो मैगी बना रहा हूँ, राइट, और जैसी मैं फीलिंग एक्सप्रेस करने जा रहा हूँ तो यू टेक मी फॉर ग्रांटेड, यू नो हंसने लगती है, मजे मस्ती करने लगती है, तो इस तरीके से पूरी कहानी लिखा कि मेरी कदर भी तू नहीं कर दी है, मेरी खबर भी तू नहीं ले दी है, बट प्यार करती है, बट ऐसा तेरा सीन है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग सबसे पहले ऑडियो पे काम करें, फिर हम आगे बढ़े। उत्तम भाई हैं वो मिक्स मास्टर करते हैं, वो सब उसमें ऑन बोर्ड हुए, एक ऑडियो का प्रोसेस बहुत प्यारा रहा। देन आई बारी वीडियो की, तो अदनान तो आपको पता ही, अदनान भाई तो माशाल्लाह, फिर अदनान भाई है, तो इस तरीके से हम साथ में आगे बढ़े। ओवर टू यू। राइट, एंड यू नो, आपने शुरुआत में अपनी फियोंसी को यहाँ पे मेंशन किया, तो जब गाना पूरा रेडी हुआ, तो जब हाँ उन्होंने जी पहली बार सुना, तो उनका क्या यार रिएक्शन? ये ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे से अभी तक किसी ने नहीं पूछा, आई रियली लाइक इट। तो उनका सीन ऐसा था कि वो बड़ी ही खुश हुई सुन के और हंसने लगी बहुत जोर जोर से कि ये क्या है, और ये सच में तुमने ऐसा कैसे बना दिया इतना सारा, राइट। एंड आई जेन्युइनली मैंने उनको ना जब तक पूरा बन नहीं गया तब तक भेजा नहीं जानबूझ के, मैंने एक बार अच्छा, पूरा आने के बाद ही उनका रिएक्शन देखा जाए कि कैसा होता है। तो शी गॉट रियली राइट, हैप्पी कि अच्छा, वो पहले तो बड़ा हंसी बहुत ज्यादा कि यार ये क्या है और ये कैसे हो गया, देन फिर उनने थोड़े ठहाके लगाए और फिर मेरे को बोले कि नहीं द प्रोडक्ट इज रियली नाइस, तो ये अच्छा हुआ है कि एक इंसिडेंट की वजह से, छोटे से हमारी मस्ती की वजह से एक चीज बड़ी अच्छी बन गई माशाल्लाह, तो शी वॉज वेरी हैप्पी। एंड जी
मैं आपको यही पूछने वाली थी कि क्या आपने उन्हें बताया कि इस पूरे गाने की जो शुरुआत हुई थी वो उनके वजह से हुई थी, वो शी इज द सोर्स ऑफ दिस सॉन्ग। बताना ही पड़ेगा मतलब, और ऑफ कोर्स वो खुद भी सोच सकती है कि मेरी वजह से, कोई और होगा तो गए। तो उन्होंने आपसे सवाल नहीं किया कि मतलब मैं तुमको फॉर ग्रांटेड ले दी, तुम मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहे हो मेरे पर गाना बना के। अच्छा बेसिकली होता कैसा है ना, लड़कियां कभी एक्सेप्ट नहीं करती है, राइट। बट ठीक है, मैंने थोड़ा सा कन्विंस करा दिया, मैंने देख तेरे कारण गाना बनाया, क्रेडिट तेरे को मिलेगा, एक्सेप्ट कर ले। तो बोले हाँ हाँ मैं ले लेती हूँ ग्रांटेड, चलो। राइट। एंड यू नो जीशान गाना बन गया है, बहुत अच्छे से यू नो बाहर आया है। अगर मैं रिस्पॉन्स की बात करूं तो रिस्पॉन्स अपने इंडस्ट्री के दूसरे कलीग से आपको ये रिस्पॉन्स किस तरह का मिल रहा है? ऑडियंस तो मैं जानती हूँ कि बहुत बहुत प्यार करती है आपको। जी, अलहमदुल्ला, आई एम रियली ग्रेटफुल। मैं आपको एक एक बेस से बताता हूँ। मैं जब हमने पहली बार क्यूकी को, क्यूकी में सब लोगों को सुनाया गया, सागर भाई को सुनाया गया, सागर भाई वॉज रियली हैप्पी, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू एवरीवन जो इस प्रोसेस में मेरे साथ हैं, क्यूकी के सारे लोग, सागर भाई, जोविन, सना, सेवियो, हर कोई, यू नो, इवन पारुल, पारुल इज रियली नाइस, माशाल्लाह, राइट। इवन आप भी जो आज आज आप मेरी जर्नी का हिस्सा है यहाँ पे, राइट। सो इट्स रियली नाइस। और मैं अदनान का स्पेशल थैंक यू करना चाहूंगा, अदनान भाई का, कि वो एक बहुत अच्छे मेरे पार्ट रहे इस चीज में, माशाल्लाह, एंड ही इमिजिएटली रिएक्टेड टू द सॉन्ग। किशन भाई बहुत प्यारा है, सागर भाई ने बहुत तारीफ करे, देन हम लोग उसके आगे बढ़े। मैं इंडस्ट्री के जो मेरे दोस्त हैं, जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, जो लिरिक्स राइटर हैं, और जो भी टेक्निकल बंदे हैं, मैंने जिनको भी पहुंचाया हूँ, दे लव्ड इट, दे लिटरली लव्ड इट, अलहमदुल्ला। और वो मेरे को अब ये पूछ रहे हैं कि ये जोन बड़ा अच्छा है, ये जोन में और नेक्स्ट क्या आ रहा है, मतलब ये क्यूट क्यूट टाइप का जो जोन होता है, राइट, और आजकल ये बड़ा चल रहा है, तो वो मेरे जी को बस वही बोल रहे हैं कि बस आगे क्या आने वाला है, नेक्स्ट क्या क्यूट जोन है। वी वुड सजेस्ट कि क्यूट जोन ही कंटिन्यू कर। तो मैं उनकी एडवाइस को ग्रांटेड नहीं ले रहा हूँ, मैं उसके ऊपर काम कर बिल्कुल। रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे हम क्यूट गाना ही करेंगे, होपफुली। इनफैक्ट लोग तो चाहेंगे, आई एम श्योर हम जैसे लोग भी जो म्यूजिक लवर्स हैं वो भी चाहेंगे कि इस तरह के तो गाने आते ही रहे, पर जैसे आपने कहा कि और अलग अलग तरह के भी गाने अगर आप आपके थ्रू आए तो और भी अच्छा हो जाएगा। जी जी और जी जीशान अगर आगे हम बात करें आपके और अदनान के एसोसिएशन की, तो जैसा आपने बताया यू बोथ शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड, तो ऑन सेट अलहमदुलिल्लाह, और ऑफ सेट दोनों ही केमिस्ट्री के बारे में मुझे जानना है आपके और अदनान के। अदनान भाई इज लाइक अ ब्रदर टू मी, अलहमदुलिल्लाह। मतलब जेन्युइनली ही इज रियली काइंड, ही इज रियली रियली हेल्पफुल इन एवरीथिंग। मेरा जब उन्हें जिस दिन से मेरे, एक्चुअली हम लोग एक साल से एक दूसरे को जानते हैं, पिछले मेरा माहे रमजान मेरा सॉन्ग था तब हम लोग कनेक्ट हुए थे, तो हम लोग तब से जानते रहे एक दूसरे को बातचीत होती रहती थी, गाने वाने सुनाते रहते थे। जब इमिजिएटली कनेक्शन हुआ सब थ्रू एक एक दूसरे के, तो बोले जिशान भाई ये गाना इज लवली, दिस सॉन्ग विल बैंग, जस्ट ट्रस्ट मी। ऐसा करके हम लोग आगे बढ़े, मेरे होम टाउन आए थे छिंदवाड़ा, वहां शूटिंग करे थे। आप मानोगे मैं बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ जेनुअनली, बट अदनान भाई की एक वाइब ही अलग है, मतलब उसकी एनर्जी जो है, आपको मालूम है, आपने अगर देखा वो टी शर्ट उतारने वाला जो सीन था, राइट, जी इतना डेडिकेटेड है वो बंदा, लेट मी टेल यू। वो वहां पे जिम वाले बंदों को, हम लोग ने सबको वहां पे बुलाए थे, जो हमारे जिम वाले भाई थे, सबको वहां पे हमने बुलाए थे, और वो डम्बल्स वम्बल्स मार के, यू नो, पुशअप्स करके वो एकदम, मतलब इट वाज सो अमेजिंग टू सी अदनान डूइंग सो मच, कि बहुत बहुत अच्छा लगता है, माशाल्लाह। राइट। एंड ऑफसेट बॉन्ड कैसा है, शूट करते समय वाइब कैसी थी, क्योंकि एक म्यूजिक वीडियो है तो बहुत कम दिनों में आई एम श्योर शूटिंग हुई होगी। हाँ, हमारा एक्चुअली 2 से 3 दिन का शेड्यूल था, बट एक्चुअली होता क्या है, म्यूजिक वीडियो में ज्यादातर ना लाइट्स बहुत मैटर करती है, तो आपको वो गोल्डन आवर्स में ही शूट करना होता है, जो सुबह के होते हैं कुछ 1-4-5 घंटे, देन आफ्टरनून में यू कैन नॉट शूट, राइट। और मैं जिस लोकेशन पे हम लोग थे, तो वो जगह पे बहुत हार्श लाइट आ रहा था, तो वो गोल्डन आवर्स पे सुबह 2-3 घंटे, शाम को 2-3 घंटे, इस तरीके से हमने 3-4 शेड्यूल में हमने पूरा शूट करें, क्योंकि सब लोग की एक्चुअली वाइब इतनी अच्छी थी ना, तो इट वॉज सो स्मूथ माशाल्लाह, की पता ही नहीं चला, यू नो, कि कैसे बस फन वे में सब खेलते हंसते खेलते म्यूजिक वीडियो बन गया। शुक्र जी। जी मुझे ये जानना है कि यू नो आप जैसे लॉकडाउन के बाद स्पेशली पिछले साल कितने सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को, म्यूजिशियंस को, एंड बेसिकली हमारी क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़े राइटर्स हो गए, लिरिसिस्ट हो गए, हर किसी को बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज मिली। क्या
कहते हैं ना कि लॉकडाउन ने इतना बुरा किया लेकिन इतना अच्छा भी किया उसके सामने आर्टिस्ट के साथ। तो मुझे एक बात बताइए, पिछले एक साल में आपने जितना भी काम किया है तो इस तरह के इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के साथ आपने कितना कोलैबोरेट किया और किस तरह का माहौल रहा वर्क एक्सपीरियंस, क्या कुछ बदलाव आया? हाँ देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे आई टॉक्ड अबाउट माय सॉन्ग माहे रमजान, राइट, जो लास्ट ईयर आया था, तो वो हम लोग ने पेंडेमिक के बाद ही कर रहे थे, क्योंकि आपको भी पता है, सबको पता है कि रमजान के दरमियान ही, इवन बाद पहले आ गया था पेंडेमिक, पर बाद में रमजान आया था, राइट। तो वी वॉन्टेड टू गिव अ मैसेज दिस टाइम रमजान एट होम। अब इत्तेफाक से ये बार भी सेम चीज हो रही है, रमजान एट होम, राइट। तो एक चीज बहुत अच्छी होती है, आर्टिस्ट लोग ना समझते हैं चीजों को, राइट। क्योंकि के बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, वो मेरे गाने में थे, कुछ 10-12-15 हम लोग इन्फ्लुएंसर्स थे गाने के अंदर, तो सबका एक मैसेज होता है खाली, यू नो, एक एक जवाबदारी आ जाती है, यू नो, व्हेन यू गेट दोस थिंग्स ना इन लाइफ, तो एक जो पब्लिक आपको प्यार करती है माशाल्लाह, जो आपको दुआएं देती है, तो उसके साथ आपको ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप आ जाती है, तो यू जस्ट यू नो आप उसके साथ जाते हो और वो निभाने लगते हो, यू डोंट इवन नो कि आप ये चीज कर रहे हो, बट वो होने लगती है अपने आप, नो। तो जैसे हमने उसमें मैसेज दिया रमजान एट होम वाला, और सारे इन्फ्लुएंसर्स बड़े, क्योंकि घर से काम हो रहा था, तो सारे बड़े वो थे कि यार करना है करना है करना है। एंड ट्रस्ट मी ऑन वन थिंग, शुरू के 3-4 महीने एक्चुअली सबके लिए बड़े टाइट थे, क्योंकि एक नई चीज थी, लॉकडाउन ही सबके लिए, यू नो, इट वाज वेरी न्यू एंड वेरी, यू नो, आई डोंट इवन, आई एम नॉट इवन गेटिंग द वर्ड कि बस को कैसे डिस्क्राइब करूँ, एकदम सबके लिए नया और बड़ा चीज थी वो। तो आर्टिस्ट भी जो 3-4 महीने बाद जो खुला, और जून जुलाई के बाद से, अगस्त के बाद से जो पिकअप हुआ है ना मार्केट, और अच्छा हुआ, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा हुआ है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बॉम्बे में रहते थे पहले, सिर्फ यू नो काम के लिए यहाँ रहते थे, सब कुछ रहते थे, अब मूवीज में गाते हैं, सारी चीजें हैं, अब अपने अपने होम टाउन से सब काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग रियली गुड। तो ये चीजें अच्छी हो गई, क्योंकि बहुत ये जो दुनिया है ना, अभी जो हमारी जो दुनिया थी, जो फिजिकल दुनिया थी, ये वर्चुअली में कन्वर्ट हो गए, दिस इज रियली नाइस। क्योंकि अभी अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपके पास आता जाता, आप कहीं से आते, हमारा कितना टाइम भी इसमें जाता है, एनर्जी कितनी जाती, एंड बॉम्बे तो आपको पता है यार, तो ये सब चीजें जो बच गई है, तो बड़ा अच्छा है। मैं तो ये वर्चुअल दुनिया से मैं बड़ा खुश हूँ माशाल्लाह से। राइट जी, और ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर हम देखें तो अनलॉक पिछले साल जब हुआ, उसके बाद से स्पेशली हमने जो एक म्यूजिक वीडियोस की लहर देखी है यूट्यूब पर, दैट इज क्रेजी। अब जैसे ऐसा लगता है जैसे जब ओटीटी ने नया नया यू नो एक स्पीड पकड़ा था, तब एवरीबॉडी वाज गोइंग गागा ओवर वेब सीरीज, एंड नाउ एवरीबॉडी इज गोइंग क्रेजी ओवर म्यूजिक वीडियोस। मुझे आप अब बताइए कि आने वाले समय में व्हाट इज लाइक योर लाइक ड्रीम और योर गोल इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, क्या म्यूजिक वीडियोस ही कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर फिल्मों में गाना गाना चाहते हैं, क्या है आपका प्लानिंग? देखिए, मैं बेसिकली एडवर्टीजमेंट्स करता हूँ, काफी ब्रांड्स के लिए काम करता हूँ, शुक्र है। तो मैं एक ऑलरेडी एक कंपोजर हूँ, म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, जो चीजों में करता हूँ, एक दो चीजें हैं, बड़ी चीजें हैं जो सामने हैं, इंशाल्लाह मैं वक्त आने पे रिवील करूंगा, तो चीजें तो चल रही है। मैं हाँ बेसिकली कुछ कुछ चीजें हैं जिनको मैं बहुत सोच समझ के चलता हूँ, मैं हमेशा आई एम रियली कंसर्न अबाउट माई स्ट्रीम और माई चॉइस ऑफ वर्क, यू नो, कि मेरे को जहाँ करना है मैं वही काम करता हूँ, थोड़ा सा होता है कि जहाँ मेरे को अच्छा लगता है, जहाँ वो एक वाइब आती है, राइट, यार हाँ ये चीज सही है, ये मैं जस्टिफाई करना चाहूंगा इसको, क्योंकि मैं कर सकता हूँ। तो मैं हर चीज, जैसे मैं आपने बोले मूवीज के लिए, राइट, तो मूवीज के लिए भी कुछ चीज होगी कि इंशाल्लाह हाँ ये मूवी में ये चीज बेहतर है, तो मैं वो चीज कर सकता हूँ। जैसे आप अगर देखा जाए तो सलमान खान भी मूवीज में हर चीज नहीं करते, राइट, वो कुछ कुछ चीजें छोड़ के रखे उन्होंने कि भाई मैं ये नहीं करूंगा, ये बाकी सारा कुछ करूंगा, तो सबका एक अपना है। तो मेरे भी कुछ ऐसे है चीजें कि मैं ये करूंगा ये नहीं करूंगा, बट हाँ करना तो ऑफकोर्स सबको है, आपकी दुआ साथ में है, सब लोगों की दुआएं साथ में है इंशाल्लाह, तो ऑफकोर्स हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यू नो जीशान, ये एक सवाल, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, पर ये एक सवाल मैं हर म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हर आर्टिस्ट से पूछती हूँ कि ये जो रीमेक्स का जो ये चलन है ना पिछले कुछ सालों से, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कि आपको लगता है कि रीमेक्स इज यू नो डूइंग गुड जस्टिस टू द ओरिजिनल म्यूजिक और इज इट नॉट वर्किंग आउट? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट रीमेक्स? मैं आपको एक बात जेन्युइनली बोलता हूँ, लाइक आई रियली आई एवरी टाइम स्पीक माय हार्ट आउट, कोई भी आप में से कुछ भी सवाल पूछे, मेरे को ये रिमिक्सेस बड़े अच्छे लगे, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, अगर ये जस्टिफाइड हुए एक आर्टिस्ट वाइज, अगर आप उसको जस्टिफाइड कर सको गाने को, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, आप
क्रेडिट्स जो ओरिजिनल कंपोजर राइटर जो भी म्यूजिक का है, सबसे पहले आप उनको क्रेडिट दो, राइट? अगर आपको थोड़ा और एक्सटेंड जाना है तो आप उनसे परमिशन ले लो, राइट? कि हे कैन आई प्लीज यूज दिस सॉन्ग, आई हैव दिस थिंग मेड विथ मी, आप एक बार सुन भी लो, अगर आपको अच्छा लगे या जैसा है, मैं ऐसा ऐसा थॉट है मेरा, तो एक चीज और अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो उसको रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप उसके ऊपर अपनी अपनी गाड़ी चलाने वाले हो, राइट? तो यू नीड टू फर्स्ट, यू नो, उनका एक कंसर्न मिल जाए या उनकी एक बातचीत हो जाए, कोई ग्रीन सिग्नल मिल जाए, तो बहुत अच्छा था, आप आपकी गाड़ी चला सकते हो। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर आप क्रिएटिवली कोई चीज बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर रहे हो एंड सामने वाले को भी पसंद आ रही है, उसकी परमिशन के साथ आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि कुछ गाने ऐसे हुए थे जिनमें परमिशन नहीं ली गई थी। कभी कभी हो जाता है ऐसा, राइट? तो इट डजंट लुक गुड। एक क्योंकि क्या होता है ना, मैं एक चीज आपको बताऊं कि नित्यांशी कैसा होता है ना, अपना जो एक जो प्रोडक्ट होता है ना, जो भी होता है, राइट, आप जो भी काम करते हो वो काइंड ऑफ आपका बेबी होता है, राइट? आप उसको बहुत अच्छे से आप उसको बनाते हो, पालते हो, पोसते हो, यू नो, उसको आप पेम्पर करते हो, उसको आप यू नो एनरिच करते हो, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जुड़ी हुई होती है। तो आप किसी को बस परमिशन ले लो, आप उसके जस्टिफाई करो एंड यू आर गुड टू गो, मैं ऐसा मानता हूं। राइट। चलिए जीशान, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, लेकिन हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। ग्रांटेड रेंदी अच्छा है, इतना अच्छा कर रहा है, तो उसकी दो लाइनें तो आपको हमारे व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली गुनगुनानी पड़ेगी। 100%, आई वुड लव टू ओके, मैं गाता हूँ उसका, अंतरा से गाता हूँ। बिल्कुल मेरी कदर भी तूने कर दी है, मेरी खबर भी तूने लेंदी है, ऐ कैसा प्यार तू कर दी है, ऐ दस दे मैनू, एना तो मैं जेरी नाल ना झगड़े लगा दे है, जिन ना तू कुड़िए मैनू दिन रात चाहती है, मैं तेनू लव करदा कुड़िए, तू मैनू ग्रांटेड लेंदी है, मैं तेनू लव करदा कुड़िए, तू मैनू ग्रांटेड लेंदी है, मैनू तू फैशन स्ट्रीट कहंदी, खुद नू ब्रांडेड कहंदी है, मैं तेनू लव करदा कुड़िए, तू मैनू ग्रांटेड लेंदी है। जी वाह, दिस इज अमेजिंग। सीरियसली, ये जो लिरिक्स है ना, कि मुझे फैशन स्ट्रीट समझकर खुद को ब्रांड समझती है। आई एम श्योर, जी लाइक जितने भी यंगस्टर्स हैं और टीनेजर्स हैं, दे आर एक्चुअली गोइंग टू रिलेट टू दिस अ लॉट। मैं आपको बताऊं, इस चीज पे रील सबसे ज्यादा बन रही है, रील्स इस लाइन पे सबसे ज्यादा बन रही है, और पब्लिक रिलेट कर रहे हैं। कुछ कुछ ऐसा फैशन स्ट्रीट कैंडी सामने बड़े अच्छे कपड़े पहन के कुछ खड़े हो जा रहे हैं, यू नो, कि वो फैशन स्ट्रीट और ब्रांडेड को कंपैरिजन हो रहा है लोगों से, एंड आई एम रियली राइट, लाइकिंग बहुत इट। मैं क्वर्की है वो, लगता और जिस तरह से आपने बिठाया है, इट एक्चुअली साउंड्स वेरी क्वर्की एंड नाइस, सो इट्स एक्चुअली अमेजिंग। ऑल आई कैन से शुक्र अल्लाह का, क्योंकि हमारा काम है सिर्फ कोशिश करना, बाकी बरकत हो जाती है आप लोगों के प्यार से, सब लोगों की दुआ से। मैं बस चाहता हूँ, आई विश यू ऑल द लक, आई विश ऑल द ऑडियंस, आप सब सेफ रहें, अच्छे से रहें, और रील्स बनाते रहें हमारे गाने के ऊपर, गाने के व्यूज बढ़ाते रहें माशाल्लाह से, जल्दी से क्रॉस करते जाए अच्छे अच्छे व्यूज, एंड ऐसे बहुत सारा प्यार देते रहें। डेफिनेटली, एंड थैंक यू सो मच जीशान फॉर ज्वाइनिंग विद अस ऑन थैंक यू फिल्म सो मच। विंडो। कंग्रेचुलेशन सबसे पहले तो ग्रांटेड लेंदी के लिए, और आपके आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए भी बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई वुड डेफिनेटली, मैं आपको पहले भेजूंगा और आपका पहले भी व्यूज ढूंढूंगा मैं इस बार अब। डेफिनेटली, आई वुड लव टू, आई वुड लव टू। थैंक यू चलिए, सो मच थैंक यू नित्यांश सो मच, एंड टेक केयर, जी स्टे सेफ जी एंड बाय बाय। जी जी यू टू, टेक केयर।